अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लोग जाने वाले हैं हज़रत मुल्तानी शाह बाबा की दरगाह पर। चलिए फिर मिलते हैं दरगाह में। और आज मैं मौजूद हूँ फ्रेंड्स के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद है हज़रत जिनके साथ मैं दरगाह पर विज़िट करने वाला हूँ। आप देखते रहिए ज़हीराबाद टू बिदर। कितने किलोमीटर है दरगाह, दरगाह की हिस्ट्री बतलाऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शो माई शो सब्सक्राइब द चैनल। इश्क सहबा में अदा की है अली ने जो नमाज़े, इश्क सहबा में अदा की है बहते थे मगर भी हजारों रहे मालिक बहते थे फिर भी हजारों पर रहे गालिब। उठा कर देख लो तारीख, उठा कर देख लाती है। अस्सलाम 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 जाने आलम, अस्सलाम ईमान आलम, शाहे दी सुल्तान आलम, तुमसे है सामान आलम। दिल में तुम मसनद नशी हो, इस मकां के तुम मकी हो, मरे तो वो जमी हो और सिरगाने भी तुम्ही हो। वो कलस रोजे का चमका, सर झुकाओ गज कुलागो, वो दरे दौलत पे आए, झोलियां फैलाओ शागो। या हबीबी या रसूलल्लाह या नबी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मुल्तानी शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा की दरगाह पर। लॉकडाउन की वजह से ताला लगे हुआ है। दरगाह की राउंड फिनिशिंग है, 4 एकड़ 24 घंटे में दरगाह बनी हुई है, और बाकी के 5 एकड़ 30 घंटे में कुछ इनकी ज़मीन है, और 5 एकड़ 30 घंटे अभी खाली ऐसे में ही है ज़मीन, यही है वो ज़मीन। और ये पूरी टोटल दरगाह चुन्ने और संगमरमर से बनी हुई है, और तेलंगाना का ये सेकंड ताजमहल भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। काफ़ी अच्छी मज़ार है, और कई लोग आते हैं, कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं, कई लोग देखते हैं, ज़्यारत करते हैं। मैं भी ज़्यारत की वजह से आया और वो ज़्यारत कर नहीं सका, और मेरे सारे कई फ्रेंड भी हैं, आप जैसे देख सकते हैं मेरे फ्रेंड भी है सारे लोग, सभी लोगों ने जैसे अफरोज़ है, अफरोज़ भाई भी आज हमारे साथ में है। ज़रा नज़दीक आओ सर भाई, अफरोज भाई मेरे साथ में है, और महफूज है, और बोले तो फैज़ भाई है, सभी लोग हम लोगों ने सारे लोग क्लास में मिलकर हम लोगों ने आया था। आओ महफूज, हम लोग 4-5 मिल के आए थे दरगाह पर विज़िट करने के लिए, दरगाह की ज़्यारत करने के लिए आए थे। किसी वजह से लाग था, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यारत नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगली बार फिर ज़रूर आएंगे, ज़रूर हाज़िरी देंगे दरगाह में। हज़रत मुल्तानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बारगाह में जाने के लिए, जैसा मैं मेरे फ्रेंड्स को बोला, सभी ने एक बार अल्लाह अकबर कहकर सभी लोगों ने तैयार हो गए हाजिरी लगाने के लिए। से डरिए क्यों रजा मुश्किल से डर।
ज़हीराबाद से बिदर दरमियान में मौजूद है दरगाह, जिनका नाम है मुल्तानी शाह रहमतुल्लाह अलैह। काफ़ी बेहतरीन कारीगरी है यहाँ पर, ये मरमर और चुन्ने से बनाई हुई दरगाह है और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है देखकर, जिससे दिल खुश हो जाता। और हम लोग आए थे यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए, लॉकडाउन जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से दरगाह पर ताला लगे हुआ है। ऐसा तो नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी उसका पालन कर रहे हैं कुछ लोग, दरगाह पर ताला लगा हुआ है। और आप लोग आए यहाँ पर विज़िट करें, काफ़ी अच्छी अच्छी दरगाहें देखने में, और तेलंगाना का सेकंड ताजमहल है ये, बहुत काफ़ी अच्छा मंजर है यहाँ पर। आप लोग आए देखें, और कुछ दिन में जैसे लॉकडाउन खुलेगा ये दरगाह का भी दरवाज़ा खुलने के चांसेस है, लॉकडाउन खुल जाएगा जैसे ही दरगाह का दरवाज़ा भी खुल जाएगा, दूसरी बार आऊँगा मैं, फिर विज़िट करूँगा, फिर बनाऊँगा यहाँ का व्लॉग और दरगाह की आपको कम्प्लीट ज़ियारत कराऊँगा। देखते हैं फिर अगली बार आएंगे फिर इंशाल्लाह। इतना ही था इस वीडियो में, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लब पर है बस यही सदाला इलाहा इल्लल्ला, फूलों ने कहा पत्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्ला, हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला, हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी।